टायर आपकी गाड़ी का सबसे अहम हिस्सा है। कुछ चीजें होती है जो खराब होने पे, जैसे कि हेडलाइट है, आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपकी गाड़ी के टायर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिससे कि गाड़ी को चला पाना संभव नहीं है तो क्या होगा? तो आप ऐसी परेशानी में ना फंसे, उसके लिए जरूरत है कि आप समय समय पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि चेक करते रहें, और टायर पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज की मेरी वीडियो भी होने वाली है गाड़ी के टायर के ऊपर। मैं आज आपको ऐसा एक टिप बताऊंगा, या एक ये कह लीजिए कि आज एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको लोग बहुत छोटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और आप यकीन मानिए, वो बात जितनी छोटी है वो उसका महत्व उतना ही बड़ा है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं तो वो कौन सी चीज है जो आपकी गाड़ी को फिसलने से बचाती है? सबसे अहम रोल गाड़ी को फिसलने से बचाने में अगर किसी का है तो वो है आपकी गाड़ी पे बने हुए इन कट्स का, इन लाइन का। ये जो कट्स आप देख रहे हैं, इन कट का सबसे अहम रोल होता है आपकी गाड़ी को फिसलने से बचाने के लिए। जब आप अपनी गाड़ी को हाईवे पे चला रहे हैं तेज स्पीड पे, तब यही कट आपकी गाड़ी को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपकी गाड़ी रोड को पकड़ के अगर चलती है तो इन कट्स की सहायता से चलती है। इन कट्स का इतना रोल है। जब आप अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं किसी दिशा में तो गाड़ी को फिसलने से बचाने के लिए भी इन कट्स का बहुत रोल होता है। तो अगर एक सेंटेंस में मैं कहूं तो अगर आपका टायर से ये कट्स खत्म हो जाए तो आपके टायर की वैल्यू लगभग खत्म हो जाती है, ये आप सब जानते हैं। अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जिसको कि हम सब नजरअंदाज करते हैं ये सोच के कि वो चीज बहुत छोटी है। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं हमारे दैनिक जीवन में जिसके कारण ये जो कट्स है ये आपके ना के बराबर रह जाते हैं। मतलब भले ही आपने नया टायर डलवाया हो, नया टायर तो है, उसमें कट्स तो सही है, लेकिन उन कारणों की वजह से वो कट्स उनके खत्म हो जाते हैं। वो क्या ऐसे कारण है? तो मैं आपको बताता हूं कि इनमें से कुछ कारण है, जो कुछ ऐसे कारण है जो कि आप अभी देख पाएंगे। इस टायर की सहायता से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये टायर का कट है और इसमें ये स्टोन घुसा हुआ है, इधर पथरी घुसी हुई है, इधर देखिए ये जो बारीक कट है इसमें कुछ घुसा हुआ है, इसमें भी बजरी है, इसमें भी बजरी है, इसमें भी है, यहां पे कुछ घुसा है। चारों तरफ आप देख लीजिए, मैं आपको चारों तरफ दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। तो ये जो कट्स हैं, ये जो बजरी है या जो आपका स्टोन के टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, ये आपके जो टायर की जो पावर होती है उसको पकड़ने की, रोड को पकड़ के चलने की, और जो पावर होती है जो कि आपकी गाड़ी को फिसलने से बचाती है जब आप अचानक से ब्रेक मारते हैं, तो उस पावर को ये बहुत हद तक कम करता है। सोचिए कि अगर आपने अचानक से ब्रेक लगाए गाड़ी के और ये जो स्टोन है ये उस समय रोड के कॉन्टेक्ट में है जब यहाँ पे आता है, और इसका आप लेवल देख रहे हैं, इसका ये बिल्कुल रोड से सट के चलेगा, तो ना तो ये रबड़ का है कि ये आपका थोड़ा सहन दब जाएगा, ये उसको फिसला देगा आपके टायर को। और अगर आप रोड पे नॉर्मल चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, तब ये क्या करेगा, तब आपकी गाड़ी की पकड़ को ये कम करेगा, जो आपका टायर का ये ग्रिप बना के चलते हैं आपकी गाड़ी में, उसको ये कम करेगा। तो ये जो एक छोटी सी चीज है, और ये एक ऐसी चीज है, आप यकीन मानिए कि इस चीज को लोग छोटी चीज समझ के बहुत नजरअंदाज करते हैं, अवॉइड करते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन इससे बहुत कुछ होता है। ये आपके पूरे टायर की प्रोफिशिएंसी को डाउन कर देता है। तो समाधान क्या है? तो इसका समाधान ये है कि जब भी आप कभी बड़ी ट्रिप पे चले, लंबी ट्रिप पे जाएं, तो आप घर पर ही इन सब अपने टायर की कंडीशन को, इनमें जितने स्टोन है, जितने बजरी है, जितने पत्थर है, उन सबको निकाल के चले। और अगर आप सिटी में चलाते हैं, अगर आप बहुत लंबी ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं, तब भी अगर आप सिटी में चलाते हैं तो आप कम से कम संडे के संडे जब आपके पास टाइम होता है तब आप अपनी गाड़ी को थोड़ा टाइम दीजिए और देखिए कि उसकी क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन देखिए, और इनको भी आप निकाल दीजिए। वीक में एक बार नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक बार तो आपको ये जरूर निकालना चाहिए। और आप देखेंगे, अगर आप गिनती करेंगे तो एक ही टायर में आपको करीब 20 से लेके 50 तक आपको ये मिल जाएंगे, अगर आपने पहले कभी नहीं निकाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको आज ये वीडियो देखने के बाद जरूर निकालेंगे।
अब निकालने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको या तो आप इस तरह का एक स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, पैचकस जिसको कहते हैं हम, या फिर आपके पास चाकू होगा या नेल होगी, कील होगी, कुछ भी निकुला चीज हो उससे आप इसको निकाल सकते हैं आराम से। निकालने का तरीका बहुत सीधा है, आप इसको नीचे लगाइए ऐसे और ऐसे निकाल दीजिए। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी गाड़ी के टायर में से ये निकालेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ ये एक ऐसी चीज थी जो मुझे पता थी। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को ये चीज पहले से ही पता थी लेकिन करते नहीं थे, क्योंकि हमारी एक आदत हो जाती है कि चल रहा है चल रहा है। तो कम से कम अब आप ये चीज जरूर करेंगे और करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने ये किया है। और जिनको ये चीज नहीं पता थी उनके लिए तो ये एक टिप्स है जिसको वो मान सकते हैं, आजमा सकते हैं, जिससे कि वो अपनी गाड़ी की जो ब्रेकिंग पावर है उसको अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा पकड़ के चले उसको अच्छा कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये इतने सारे पत्थर एक टायर में से निकले हैं, इतने सारे। हाँ जी, ये एक टायर के है, अगर आप इनको गिनने बैठोगे तो करीब 100 के आसपास ये पत्थर होंगे यहाँ पे, छोटे बड़े सभी साइज के हैं। जितनी बड़ी आपके टायर में कट होंगे उतने ही ज्यादा बड़े साइज के ये आपके स्टोन होंगे, ये बजरी होगी, पत्थर होंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन भरी लगी है, कुछ अच्छी भरी लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, आपका हमेशा स्वागत है। और मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।